हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग GSV 15R। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस बाइक में अभी तक क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, क्योंकि जो बाइक है लगभग 23,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी जो फ्री सर्विस है वो भी ख़त्म हो चुकी थी। सो इस बाइक में हमें थोड़ा सा इशू जो महसूस हो रहा था इसके इंजन के साथ, सो मैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और फिर हमने जो इसकी जो सर्विस है खुद से कराई है बाहर, क्योंकि जो कंपनी में जो ऑयल यूज़ करते हैं, खासकर जो हीरो वाले, वो सिंथेटिक वगैरह जो तेल आता है वो भी यूज़ नहीं करते, उनके पास एक ही ऑयल आता है, वो सभी बाइकों में वही यूज़ करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो हमने जो है यूज़ किया था, ये आता है कैस्ट्रोल का अल्टीमेट पावर वन अल्टीमेट, और ये जो तेल है ये काफ़ी जो महंगा आता है वैसे तो, एज़ कम्पेयर टू जो हीरो यूज़ करता है, बट ये फुल सिंथेटिक है। हमने जो इसकी बाहर सर्विस करवाई थी उसके लिए जो हमें इंजन ऑयल की कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 650 रुपये, जबकि जो ऑयल है 10W50 कैस्ट्रोल का पावर वन अल्टीमेट ऑनलाइन था 700 कुछ रुपये का, और हमने जो शॉप से ख़रीदा हमें पड़ा 650 रुपये का। 300 रुपये जो है वहाँ के मैकेनिक ने लिए इसके सर्विस करने के, इसको वॉश करने के, एंड उसी के अंदर हमने डलवाया था इसका जो रेस का वायर है वो ख़राब हो रखा था। सो वो सब कराने के बाद हमारी जो कॉस्ट है लगभग 950 से लेकर 1,000 रुपये, एंड उसके बाद से जो बाइक है काफ़ी रिफाइंड हो चुकी है। सो इसके जब से हमने इसको डाला है तब से जो बाइक में हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, और जो उसका वाइब्रेशन वगैरह काफ़ी कम हो गया, जो इंजन से आवाज़ आ रही थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, बट जो इंजन की जो इसके इंजन से थोड़ी आवाज़ आ रही थी, सो मैंने कंपनी में भी जाके बात की, सर्विस सेंटर में जाके बात की, सो उन्होंने बताया कि इसके साथ जो ये इशू है ये इसी बाइक के साथ था, इस वर्जन के साथ था, जो बाइक है 2019 मॉडल है, सो वो इसको जो क्योर नहीं कर पाए। और इसकी हम सर्विस कराने के लिए गए थे, बट आप जैसे जानते हैं हीरो के पास जो है उनका खुद का सिंथेटिक ऑयल नहीं आता है, सो हमने चाहा कि क्योंकि इसकी फ्री सर्विस ख़त्म हो चुकी थी, सो हमने खुद से चाहा कि इसका जो ऑयल है हम बाहर से डला ले। सो हमने यूज़ किया था पावर वन अल्टीमेट, फुल सिंथेटिक ऑयल है और काफ़ी अच्छा है, आप मोटुल भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ क्या क्या मुझे इशू फेस करने पड़ रहे थे। सो इसके इंजन से आवाज़ आ रही थी और जो पावर में काफ़ी लैग था, और ऐसा आवाज़ आती थी लाइक कुछ चीज़ इसके अंदर घिस रही हो, ठीक है ना, पुलिंग पावर बहुत इसकी घट चुकी थी, बट जब से हमने ये डाला है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, बट जो आवाज़ है वो अभी तक नहीं गई है। अगर हम इसका इंजन रिबिल्ड कराने जाते हैं सो उसका जो कॉस्ट आएगा सर्विस सेंटर पे कराते तो वो पड़ेगा लगभग 17,000 के आसपास, जो कि काफ़ी महंगा है, बट हमने जो है थोड़ा सा अपने पास से इसका किया है, जैसे ऑयल वगैरह चेंज कराया, थोड़े टैपिस वगैरह टाइट कराए हैं, थोड़ा सा जो इसका टेंशन वगैरह देखा है, तो उससे थोड़ा सा अभी क्योर हो गई है, बट अभी पूरी तरह से बाइक जो क्योर नहीं हुई है, अभी 23,000 किलोमीटर चली है और ये इशू इसके साथ आ रहा है। और मैंने जैसे कि और भी वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी जो बाइकर्स इस तरह की जो कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हीरो है ज़्यादा बड़ी बाइक बनाता नहीं है, हो सकता है उन्हें इतना जो एक्सपीरियंस ना हो, बाइक बहुत अच्छी है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से और लुक के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है, सेकंड सवारी के साथ जा सकते हो, पिलियन के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन भी करा रखा है, बाइक काफ़ी अच्छी लगती है, अगर आप कोई साइड से देखता तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपको ये RS 200, देखिए ये जो ग्राफिक्स है हमने खुद से करा रखे थोड़ा बहुत, और बहुत ही मतलब मिनिमल है, और लोग इसको देखते हैं तो काफ़ी नोटिस करते हैं, और स्पेशली यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑरेंज पट्टी है इस तरह की फेरारी का लोगो, और साइड में जो है वाइट पट्टियाँ लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर भी एक बार दिखा दो कैमरामैन। सो ये यहाँ पर जो वाइट पट्टियाँ लगी हुई है काफ़ी अच्छी लुक आती है, और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, रेड भी आता है, रेड भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी बाइक है नो डाउट। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था पावर थोड़ी सी कम है और इंजन के साथ अभी इशू आ रहे हैं थोड़ा सा, मतलब वो स्मूथनेस है वो चली गई है, हालांकि अभी मैं जब इसको चला के लेके आया हूँ सर्विस कराने के बाद लगभग ये चल गई होगी 200 से 300 किलोमीटर, तो मुझे जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, अदरवाइज़ काफ़ी परेशान कर रही थी मुझे, तो ऐसा लग रहा था कि इंजन इसका जो है रिबिल्ट कराना पड़ेगा, बट अभी मुझे लगता है काम चल जाएगा, बाकी तो मुझे ऐसे खास इशू नहीं लगते हैं, बाकी ठीक है। और इस बाइक के साथ आपको पता है खास बात है इसके साथ किक भी आती है, सो जैसे कि अभी इसकी जो बैटरी है थोड़ी सी जो है दिक्कत कर रही है, तो हम किक मार के काम चला लेते हैं, काफ़ी अच्छी है। अगर कोई भी हीरो मोटोकप से कोई भी वीडियो देख रहा है सो आप ये नोट कर सकते हैं, बाइक काफ़ी अच्छी है, आपने फीचर भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, थोड़ी सी बस इसकी पावर बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि 200 सीसी की बाइक है, सो आप इसको जो है 22 BHP तक ले जा सकते हैं, 22-23 जितने भी ले जा सकते हैं, थोड़ा सा टॉर्क बढ़ा दीजिए एक दो पॉइंट, लगभग मेरे हिसाब से 17 तक पहुँचा दो, 18 तक, और बाइक बाकी काफ़ी अच्छी। थोड़ा सा जो है इसका इंजन रिफाइनमेंट पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हालांकि जो BS6 है उसके अंदर जो आ रहा है फ्यूल इंजेक्शन, उससे जो इस बाइक का जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बाकी तो मुझे इस बाइक से कोई मतलब खास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 23,000 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई भी कैसी कोई खड़खड़ाहट नहीं है, ठीक है। बट जो थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है हीरो वालों से कि जब आपके पास 200 सीसी की बाइक है तो इसका जो ऑयल है आपको अलग से रखना चाहिए, स्पेशली
सिंथेटिक तो रखें, अदरवाइज कस्टमर के लिए ऑप्शन हो कि कौन सा आप ऑयल डलवाना चाहते हो। अब हम जाते हैं, आप 400 रुपये 450 रुपये का तेल देते हैं वो सिंपल वाला और 400 रुपये सर्विस के, सो 1000 रुपये के आसपास आपके बैठा देते हो आप। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 1200 भी दे सकते हैं, बट आप तो जो ऑयल है इसका अच्छा डालिए, काफ़ी अच्छी बाइक है और ये खूब बिकेगी। हो सकता है ये एक रीज़न हो कि जो आपकी बाइक में जो दिक्कत आ रही है, आप जो है मतलब नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं, सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक होना चाहिए, बाकी जितनी भी बाइक्स आती हैं 200 सीसी की सभी सिंथेटिक यूज़ करती है, मोटुल का यूज़ करते हैं। अगर आप मोटुल का नहीं करना चाहते, अपनी कंपनी का यूज़ कर लो, उससे मेरे हिसाब से जो बाइक है इसका जो इंजन है काफ़ी लंबा चलेगा और जो लोगों की जो कंप्लेन है वो अपने आप बंद हो जाएगी। सो मेरे हिसाब से मुझे बस आप लोगों को इस वीडियो में इतना ही बताना था। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।